आई एम डॉक्टर सजूर एलन चीफ ऑफ कार्डिक सर्जरी एट हीरो डी एम सी हार्ट इंस्टीट्यूट लुधियाना आई सिर्फ एक वर्ल्ड हार्ट डे पर एक स्पेशल मैसेज क्यों बनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे हम सबको ये मालूम है कि लगभग सेवनटीन मिलियन डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक के कारण एवरी ईयर सो इसको uh, लोगों को नॉलेजेबल करने के लिए ईयर टू थाउजेंड में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने डिसाइड किया कि लास्ट संडे ऑफ सेप्टंबर लास्ट वीक लास्ट संडे ऑफ एवरी सप्ट्बर एवरी ईयर दे विल सेलिब्रेट इट एज ए वर्ल्ड हार्ट डे बट बाद में फिर ये डिसाइड कर लिया गया कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने स्टार्ट किया कि ट्वेंटी नाइन्थ सप्टंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाएगा तो इस साल का वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो उनतीस सप्टंबर दो हज़ार बीस का है और उसका जो मोटो है टी उसका मोटो ये है इस बार का कि यूज़ योर हार्ट टू तो बीट द हार्ट मतलब कि हार्ट को हेल्दी रखना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है उस वर्ल्ड हार्ट डे पे मैराथन रन की जाती हैं एक्सरसाइज की जाती हैं सिम्पोजियम्स होते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि वर्ल्ड हार्ट डे पे अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी रखने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज करना डेली बहुत ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज के में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अगर आप ये मानिए कि दस स्टेप डेली चलना उससे आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा और अवॉइड क्या कर सकते हैं आपने अल्कोहल स्मोकिंग अनहेल्दी फूड्स यानी कि फास्ट फूड जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए हमारे को इससे जो है चांसेस ऑफ हार्ट अटैक जो हैं वो कम हो जाएंगे सबसे नंबर वन लीडिंग फैक्टर जो है वो हम सबको मालूम ही है कि वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल सो अगर इसको हम अवॉइड करेंगे तो हमारा जो हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा इस टाइम पे कोविड नाइन्टीन का पेंडिंग पेंडेमिक चल रहा है ये एक तरह से एक डबल एज वेपन है जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है यानी कि वो तो हार्ट के कारण सफर कर ही रहे हैं उसके अलावा कोविड नाइनटीन के पैंडमिक के कारण क्या हो रहा है कि लोग मोस्टली अवॉइड कर रहे हैं हॉस्पिटल में आना हॉस्पिटल में चेकअप कराना सो so, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने हार्ट के लिए रेगुलर चेकअप करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है सो so, पैंडेमिक से आ, से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है तो आप हॉस्पिटल आके अपना रेगुलर चेकअप कराइए अब इम्पॉटेंस इसके लिए भी है क्योंकि हमारा डेली का जो लाइफ है वो चेंज होता जा रहा है मोर एंड मोर सीडेंट्री लाइफ है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है तो सीडेंट्री लाइफ को अवॉइड करने के लिए कुछ बेसिक जो स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए वो ये है कि एक तो वॉकिंग को इनक्रेज करना चाहिए एटलीस्ट वन आवर डेली वॉक करना चाहिए और अगर आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं शॉप पे जाते हैं शॉपिंग के लिए तो आप कार ट्राई करिए कि अपनी कार जो है थोड़ा दूर पार करिए ताकि आपको वॉकिंग का डिस्टेंस जो है वो मिल जाए और अगर आप इफ़ यू हैव ए पैट तो यू कैन मेक योर डॉग वॉक सो उससे जो है आपकी कंपल्सिव एक्सरसाइज हो जाएगी कंपल्सिव वॉकिंग भी हो जाएगी उससे आपकी सो so ये चीज़ें जो हैं ये वेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इसके अलावा फास्ट फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए फ़ास्ट फूड में क्योंकि जंक्स हैं उसमें फा, आ, जो आ, फ्राइड एंड फास्ट फूड्स दोनों जो है अवॉइड करने चाहिए बेटर ये है कि आप घर पे बना हुआ खाना खाएं ताकि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे और बहुत कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि कौन सा ऑयल यूज़ करें तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें और जो प्योर घी है देसी घी है उसका एक चम्मच आप डेली यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा लहसुन का एक छोटा पीस जो है डेली अगर आप खाएँगे तो उससे भी आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्पेशल मैसेज की तरह मेरी तरफ़ से ली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करिए अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल डेली एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है जो फ़ास्ट फूड है उसको टोटली totally छोड़ दिए फास्ट फूड जो है अवॉइड करें या फिर आप हफ़्ते में या पंद्रह दिन में एक दिन रख सकते हैं जिस दिन कि आप अपने जो है चीट uh, डे जिसको कहते हैं हम लोग उस दिन आप जो भी आपको स्पेशल चीज़ें पसंद हैं वो आप खा सकते हैं लेकिन फ्राइड चीज़ों को टोटली totally नो no है हार्ट अटैक जो है हम सबको मालूम है कि नंबर वन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है लगभग सतारह मिलियन लोगों की डेथ होती है एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ईयर 2000 में ये डिसाइड किया कि एवरी लास्ट संडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर दे विल सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हार्ट डे बट लेटर ऑन फिर ये डिसाइड किया कि ट्वेंटी दिसंबर एवरी ईयर दे विल सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हार्ट डे सो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का वर्ल्ड हार्ट डे बनाने का ये था कि उस दिन वो स्पेशल एक्सरसाइजेज़ करेंगे यानी कि मैराथन रन की जाएंगी या सिंपोजियम्स रन करेंगे या फिर लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे कि उनको अपना हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है ताकि हम ये नंबर वन लीडिंग कॉज जो है वर्ल्ड में डेथ का इसको कैसे हम कम कर सकते हैं और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं तो ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इज़ अ वर्ल्ड हार्ट डे एंड इस साल का जो मोटो है वो है यूज़ हार्ट टू बीट हार्ट मतलब कि अगर अपने हार्ट को आप हेल्दी रखेंगे तो आप जो है हार्ट अटैक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये हमारा मोटो है ईयर 2020 के वर्ल्ड हार्ट डे का